इस बॉक्स के अंदर है Vivo का नया X Fold 3 Pro। यह अभी तक का सबसे पतला फोल्डिंग फोन है। इसमें Vivo ने अंदर की तरफ से भी फिंगरप्रिंट स्कैनर डाल रखा है। काफी सारे कैमरा में इंप्रूवमेंट्स हैं। जो इनका फ्लैगशिप वाला कैमरा था वही सेम कैमरा फोल्डेबल में लगाया और काफी सारी नई नई चीजें ऐड करी गई है। डब्बे में भी साइज लिखा है और ये भाई इसको इसके साथ ही फोल्ड कर दूंगा। अलग सा लग रहा है। हाथ में पकड़ने में अगर मैं आपको बताऊं ना तो एक नॉर्मल स्मार्टफोन की तरह देखेगा जब तक आप साइड से ना देखो। 2018 में पहला फोल्ड होने वाला स्मार्टफोन निकला था। सबको लगा था ये तो मजाक हो रहा है हमारे साथ, बट उसके दो साल बाद भाई वो असली बनने लगा था। और पिछले साल फोल्डिंग स्मार्टफोन्स में 64% का इंक्रीज आया था, मतलब जो आप लोग खरीद रहे हो उसके अंदर। एक फोल्डिंग स्मार्टफोन में मेजर तीन दिक्कत है। एक, काफी ज्यादा बल्कि हो जाता है हाथ में पकड़ने में, एक नॉर्मल फोन की तरह आप यूज नहीं कर सकते। दूसरा, बैटरी ज्यादा नहीं चलती क्योंकि भाई फोल्ड वोल्ड हो रहा है इधर उधर तो बैटरी कम हो जाती है। और तीसरी चीज, क्योंकि इतनी सारी चीजें फिट करनी है तो कैमरा पीछे वाली सीट ले लेता। वैसे मैं भी बैक बेंचर ही था। ये है फिफ्थ जनरेशन फोल्डिंग स्मार्टफोन। Vivo ने इससे पहले दो जनरेशन वाले बना रखे हैं, इंडिया में लॉन्च नहीं हुए थे। और ये जो तीनों मेन चीजें, इन सब में ये फ्लैगशिप्स को टक्कर दे पा रहा है, ऐसा Vivo बोल रहा है। हमारा टेस्ट करना अभी बाकी। डब्बा काफी अलग सा है, डब्बे के अंदर डब्बे निकल रहे हैं। ओहो, ये भारी डब्बा है। निकल जाओ भाई, ये क्या लुढ़क गया। 120 वाट का भारी भरकम चार्जर, यूएसबी टाइप सी केबल। इसकी क्वालिटी भी अच्छी लग रही है। एक क्रेडिट कार्ड भी मिल रहा है। ये इसको हमने ट्राई करा था, इससे पैसे नहीं निकलते। ये कुछ हमारी किताबें हैं बट पढ़ाई में अपनी खत्म कर चुका। ये है Vivo का नया X Fold 3 Pro। हाथ में पकड़ने में काफी ज्यादा लाइट है, फोन लग तो घूल रहा है। इस फोन के लिए चैलेंजेस है, अगर ये सब पे खरा उतरता है तभी एक टॉप का टॉप स्मार्टफोन बन पाएगा। सारी इसी वीडियो में करेंगे तभी आपको एंड में रिजल्ट पता चलेगा। जो फोल्डिंग स्मार्टफोन होता है 12 mm 13 mm का आता है, बड़ा बोल सकते हैं इन सबसे 10% पतला है। और जो 1-1 mm का फर्क है ये हाथ में लेने में पता चलता है। और बाकी जो बेसिक चीजें हैं, जैसे इस फोन का जो प्राइमरी डिस्प्ले, ये भी 6.5 इंचेस का है जो एक नॉर्मल स्मार्टफोन के डिस्प्ले जितना ही है। इसीलिए जब मैं इसको नॉर्मली पकड़ के यूज कर रहा हूँ मेरे को एक नॉर्मल स्मार्टफोन वाली ही फील दे रहा है। बस इस तरफ जब मैं अंगूठा रख रहा हूँ तो मेरे को दो एजेस फील हो रहे हैं। और एक चीज और फील हुई, वो है ये अलर्ट स्लाइडर। ये एक तो एकदम ऊपर उचका रखा है तो आप एकदम पूरा स्ट्रेच करने के बाद भी आपका अंगूठा नहीं पहुंच पाएगा। और मेरे हाथ भाई अच्छा खासे बड़े, 236 ग्राम इसका वेट है। 200 ग्राम के अराउंड आपके फ्लैगशिप स्मार्टफोन तो उससे 15% के अराउंड ही ज्यादा भारी है, आपको फील नहीं होगा। और जब पॉकेट में डालोगे तो आपकी शॉर्ट्स और पजामा दोनों खिसकने वाला नहीं है। खोलने का टाइम भाई को आ गया है। 5 mm की थिकनेस है, मतलब थिकनेस नहीं थिननेस बोलना चाहूंगा, बहुत ही ज्यादा पतला है। जो बाहर पंख वाला वॉलपेपर है, अंदर की तरफ खोलोगे तो भाई पंख में पूरा एनिमेशन आता है। देखो पंख बंद हो रहे, पंख उठ, वो इसको इस तरीके से बनाया गया कि ये लैपटॉप मोबाइल टैबलेट तीनों का मिक्स बन जाता है। जैसे खुल रहा है ना तो इसके अंदर भी एक फिंगरप्रिंट स्कैनर है। इसका मतलब ये आप इसको ऐसे भी रख के छोड़ दो और टैबलेट की तरह यूज करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस फोन में BGMI खेल रहे, क्योंकि बड़ी स्क्रीन है थोड़ी सी चीटिंग में आती है, मैं दिखाऊंगा। बट भाई पहला चैलेंज ये फोल्ड कितना अच्छा हो रहा है। इतने एंगल पे भी खुल जा रहा है, बीच वाले पे भी, थोड़े साइड पे भी, और ट्यूब एंगल पे नहीं खुल पा रहा। ये यहाँ तक खुल रहा है, इसके हल्का सा नीचे करूँ और थोड़ा सा। हाथ में पकड़ने में एक सॉलिड बिल्ड है, पूरी मेटल की। बैक साइड में भी एक बहुत सॉफ्ट सा ग्लास है, बैक साइड में यहाँ पे ज़ाइस लिखा है। फ्रंट में जो डिस्प्ले है उसमें हल्का सा साइड में कर्व है, ऑलमोस्ट बेजलेस 120 हर्ट्ज एमोलेड पैनल लगा रखा है। और अंदर की तरफ भी बेजल्स बहुत ज्यादा कम है, इसमें 4500 निट्स की ब्राइटनेस है। ये एक फोल्डिंग फोन के हिसाब से बहुत ज्यादा ब्राइट है। एकदम कोने में एक पंच होल कैमरा है। जब स्टार्टिंग में फोल्डिंग फोन आया था ना, बड़ी बड़ी क्रीज दिखती थी, जब ऐसे लेके जाओ तो गड्ढा सा फील होता था, बट इसमें क्रीज भाई ऑलमोस्ट पता ही नहीं चल रही। एंड इतने पतले से एरिया में पूरा फोल्ड हो जा रहा है। सामने एक 8.03 इंचेस का 2K 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले है। 4K HDR वीडियो चलानी है, नेटफ्लिक्स, Amazon, यूट्यूब, जो भी चीजें सब मस्त चलती है। ब्राइट है, कॉन्ट्रास्टी है, बेजल्स बहुत कम है। आप इसको 12 साल तक रोज अगर 100 बार फोल्ड कर रहे हो तब भी इसका फोल्ड खराब नहीं होगा, ऐसा Vivo पूरा क्लेम कर रहा है। और मैं एकदम और बताऊँ, हमने इतने फोल्डिंग फोन ट्राई करे कुछ खराब नहीं हुआ, सब मस्त चल रहा है। 4-5 साल चलाना था फोन, किसी में दिक्कत नहीं आई अभी तक। थोड़ा सा साइड से आपको डिस्प्ले उठा हुआ दिखेगा, ये इसलिए क्योंकि अगर आप ऐसे रख के हल्का सा अगर घिस देते हो तो डिस्प्ले पे कहीं पे भी स्क्रैच नहीं आता। अलग सा मजा तो आता है फोल्डिंग फोन को ऐसे घुमाने में, टाइपिंग वाइपिंग में भी ऐसा लगता है ओहो दो हाथों से मस्त खुल्ले खुल्ले टाइपिंग। क्रेजल्स भाई, बंदे बोल रहे थे क्रेडल्स इज परमानेंट, नहीं भाई डोरेमोन इज परमानेंट। ये देखो यहाँ से ऊपर से आवाज आ रही, यहाँ से नीचे गए है दो स्पीकर्स। बड़ा लेफ्ट साइड से पकड़ो गुदगुदी होगी, राइट साइड से पकड़ोगे ऐसा रहेगा, लेफ्ट साइड से आवाज़ आ रही है। और जब आप ऐसे नॉर्मली पकड़ोगे, जो ऐसे ही पकड़ोगे आप क्योंकि यहाँ पे कैमरा सेंसर है, तो इसके ढकने के चांसेस है, बट अगर ऐसे पकड़ो तो मस्त ऑडियो आएगी।
स्पीकर्स लाउड हैं, क्रिस्प हैं, मजेदार आवाज आती है। भाई अब आ गया टाइम रियल गेमिंग करने। तो PSP होता ना उसकी गेम में हम इसमें लोड कर लेंगे कॉल ऑफ ड्यूटी रोड्स टू विक्ट्री। अब मजा आ जाएगा ना। ऐसे करेंगे नीचे कंट्रोलर ऊपर गेम। ऐसी आवाज निकालता मैं गेम। ये मोबाइल वाली कॉल ऑफ ड्यूटी नहीं है भाई, ये रियल वाली कॉल ऑफ ड्यूटी है भाई। एक्चुअल एक कंप्यूटर वाली गेम है। बंदूक दे। अब मार रहा ना भाई। अब मजा आया भाई। क्या पेल रहा हूँ भाई मैं। ये ले बेटे भाई। अलग से रखता है यार, बड़ी स्क्रीन में से रखता है, टैबलेट में मैं गेमिंग कर रहा हूँ। तो भाई अब हमने चला लिए BGMI यहाँ पे ग्राफिक्स अल्ट्रा HDR पे। अल्ट्रा पे खेलते तो स्मूथ पे एक्सट्रीम प्लस भी है। हम अल्ट्रा HDR पे खेलना पसंद करेंगे। अब देखो मैं इसमें आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। जो आप नॉर्मल BGMI खेलोगे ना, आप ऐसे ऊपर ऊपर का नहीं देख पाओगे, ऐसा बस आप टैबलेट्स में और फोल्डिंग फोन्स में देख। तो जैसे ऊपर ऊपर का मेरे को दिख रहा है ना, जो आप नॉर्मल खेलोगे आपको इतना ही दिखेगा। मैं इसमें आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं यहीं पे खड़े होके बिना इनको देखे, ये मेरे को नहीं देख सकते, मैं इनको देख सकता हूँ। ये देखा, एक किल मेरे को मिली। जैसे मैं आपको अलग अलग जगह दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे ये जो लॉग्स के ऊपर मैं देख सकता हूँ, यहाँ पे ऐसे एंगल बना के। नॉर्मल BGMI में आप लॉग्स के ऊपर ऐसे देख ही नहीं पाओगे भाई, चीटिंग जैसा हो जाता है। इसमें एक और मोड है 4D वाइब्रेशन करके, इसमें आप यहाँ पे कर दो तो वाइब्रेशन होती है। अभी वाइब्रेशन थोड़ा ना गुदगुदी वाली फील देती है, क्योंकि फोन इतना बड़ा है ना, तो फोन के कहीं बीच में यहाँ कहीं वाइब्रेशन हो रही है और बड़ा अजीब सा लगता है जब वाइब्रेशन होती है। चलो मेरी गेम इतनी बढ़िया नहीं है, बट गेम मोड है, बेसिक चीजें हैं। आपको ये एनहेंसमेंट करनी है, थोड़ा इमेज ट्यूनिंग करनी है, जेंडर फिल्ड लगा के आपको टिंट विंट चेंज करना है, ब्लू ग्रीन करना है कुछ, या सैचुरेशन आपको इंक्रीज करना है, उनके कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज कर दो, येलो ब्राइटनेस भी इंक्रीज कर दो। ओहो, बट अब ये नॉर्मल गेमिंग है। अब हम करेंगे OG गेमिंग भाई। इसमें देखो ये कर्सर सा आ जाता है, इसको मैं दो उंगलियों से ऐसे यहाँ पे मूव कर सकता हूँ और फायर करने के लिए। देखा क्या गेम खेलता हूँ मैं भाई। पहला चैलेंज, एक मोबाइल में लैपटॉप की तरह गेम खेलना। ये इससे आगे, इससे पीछे, इससे कर्सर लेके जाओ, फिर फायर यहाँ से। टफ है भाई, आप खेल नहीं पाओगे। अब हमारा मेन चैलेंज, दो गेम एक बार में। वो PUBG नीचे सब्जी बेटे। अब नीचे भी गेम चला रहे हैं, यहाँ पे भी चालू, यहाँ पे भी चालू। भाई ड्राइविंग करनी पड़ेगी। इसमें छुप गए नीचे ड्राइविंग, इसमें तब तक एक को लपेट दें और ठुक गए। शिट, अरे गोली खत्म हो गई। ऊपर भी मर गए, नीचे भी ठुक गए। कोई बात नहीं, वी कैन डू इट अगेन। पहले ड्रिफ्ट फिर स्विफ्ट। अब ऐसे पिटाई कर देंगे बेटा, पिटाई आ जा। चलो आ जाओ तब तक, थोड़ी ड्राइविंग नीचे, जब तक बंदा नहीं आ रहा। फिर आगे पिटाई, इसको मार गए, इसको। हम यहाँ पे ठुक गए भाई, साथ में ही क्यों मर रहे हैं यार। अब इसको बंद कर देंगे। वो ओ भाई, भाई देखो सिंगल स्क्रीन डबल गेमिंग, ये भी हो जाता। ऐड आ गया भाई नीचे, जब तक इसमें ऐड देखेंगे तब तक उसमें किसी को किसी का ऐड बना देंगे। ओए भाई डकआउट हो गया नीचे, भाई क्या कर रहा है ये लो भाई। नीचे ड्राइविंग कर दी, यहाँ पे एंगल लगा देते हैं, तब तक पिटाई। नीचे भी तो ड्राइव करना है, ऊपर भी तो किसी का गेम बजाना है। अरे कोई हमारा ऊपर गेम बजा गया, नीचे हमारा गेम हो गया भाई। गेम ओवर हो गया, इतनी बड़ी स्क्रीन पे देखो दो गेम तो खेल पा रहा है, चार गेम पॉसिबल नहीं हुआ भाई। एक साइड नीचे कंट्रोलर आया था, ऊपर की तरफ गेम आया था। डिफरेंट सा मजा आता है, ऐसा लगता है कभी टैबलेट पे गेम खेल रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कभी भाई कंप्यूटर पे गेम खेल रहा हूँ। गेम जो है ना जीवन का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब हमारा नेक्स्ट चैलेंज, एक हाथ से खोलना है, दूसरे हाथ को मैं काट लूंगा ना तो इसमें दर्द होगा। बंद भी हो जाता। इस फोन का मेन जो पार्ट है वो है कैमरा, बैटरी और प्लस फोन के आगे ना AI भी लिखा होता है लॉन्च में, वो भी चेक करना पड़ेगा क्या AI का डाल दिया इसके अंदर। इसमें फनटच OS 14 ऐड कर रखा है, एंड्रॉइड 14 के ऊपर ही बेस्ड है। हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स नहीं है, वी स्टोर मिल जाता है, जो वी के थोड़े बहुत नोटिफिकेशन आ जाते हैं उनको ऑफ आप कर सकते हो, बट फोल्डिंग वाले जो लाइव वॉलपेपर्स हैं उनसे आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो, काफी सुंदर से। फ्लेक्स मोड है, इसमें स्क्रीन को दो हिस्सों में डिवाइड आप कर सकते हो, लैपटॉप वाला मोड उसको बोल सकते हो। नीचे की तरफ आप कर्सर माउस टाइप बन जाता, ऊपर की तरफ आप देख सकते हो डिस्प्ले। एक होवर मोड भी दे रखा है अपना, विंगार्डियम लेविओसा करना हो भाई। आप करेंगे ऐप कंटिन्यूटी चैलेंज। हम सबसे पहले खोलेंगे प्ले स्टोर, बाहर प्ले स्टोर, देखते हैं कितने सेकंड लेंगे अंदर खुलने में। काफी स्मूथ है, आप बोल सकते हो आधा सेकंड। टास्क बार भी इसके अंदर बनी आ जाती है, उसमें अलग अलग आइकन हैं, आपको कुछ भी एकदम से खोलने का मन कर जाए वो खोल लो। डेस्क कैलेंडर तो आप बना ही सकते हो, मल्टीटास्किंग के लिए भी छोटी छोटी चीजें ऐड कर रखी। जैसे एक तरफ हमने जीमेल लगा रखा है, एक तरफ हमने अटैचमेंट खोल रखे, यहां से स्टडी मटेरियल उठाया और वहां हो गया ट्रांसफर। यही वाले इसके अंदर तीन फीचर्स हैं, नोट्स में कुछ भी आप लिखोगे वो समराइज कर देता है। एक कूल चीज है कि जो वॉइस रिकॉर्डर है उसमें ट्रांसक्रिप्ट का फीचर है, अगर आप कुछ भी रिकॉर्ड कर रहे हो उसका पूरा ऐसे स्क्रिप्ट बना देगा कि भाई ये बोला क्या था, इस बंदे ने ये बोला, इस बंदे ने ये बोला। और
एआई से स्क्रीन पे जो है उसको ट्रांसलेट भी ये कर देता। तो समझ लो आप कहीं बाहर गए किसी और कंट्री के अंदर, वहां की वेबसाइट आपने खोल ली, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो बस बटन दबाए। मेरे को एक चीज और काफी खुल रही, समझ लो आपकी कोई एप्लीकेशन है, आप ऐसे बस हल्का सा ट्विस्ट करोगे तो ये डबल स्क्रीन में आ जाता है, उसके बाद आप यूट्यूब खोल लो, कुछ भी आपको खोलना है, दोनों एप्लीकेशन को साथ में रन कर सकते हो। ये काफी सिंपल सा जेस्चर है बट काफी अच्छे से काम करता है। नेक्स्ट पेपर चैलेंज, सबसे पहले हम ट्राई करेंगे टिश्यू पेपर। ये है सबसे पतला पेपर, मतलब ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट ही है, इससे रुक गया तो भाई फिर तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग। ओ भाई बड़ भाई काफी क्लोज था, इससे हल्का था भी अगर मोटा हुआ पेपर तो फिर तो दिक्कत आ सकती है। सेंसर इन्होंने सारे ऐड कर ही रखे हैं, 16GB DDR5X रैम मिल जाती है, 512GB स्टोरेज है, बैटरी 5700 mAh है। ये एक फोल्डिंग फोन के हिसाब से एक सॉलिड बैटरी लाइफ है। इसके लिए हमारा चैलेंज है 4K वीडियो 6 घंटे तक लिए लगातार प्ले कर पाता है। भाई ये तो काफी बड़ी बैटरी है, खींच लेना चाहिए भाई को, हमने लगाई भी HDR वाली फुल वीडियो, तो इसने इस चैलेंज को कर लिया है कम्प्लीट। हमने 6 घंटे चलाया, बस 35% यूज हुई भाई, ये बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है एक फोल्डिंग फोन के लिए। कैमरे की टेस्टिंग करने आ चुके हैं थोड़े खुले मैदान के अंदर। इसमें फ्रंट का सेल्फी कैमरा, अंदर वाले फ्रंट का सेल्फी कैमरा, दोनों ही 32 मेगापिक्सल का है। इसमें 3 कैमरे का सेटअप है, एक 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल और एक 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस। इसमें वीवो ने बेसिकली करा क्या, जो उनका फ्लैगशिप ट्राइड और टेस्टेड मामला है जो सेटअप है, वो पूरा इसमें डालने की कोशिश करी गई है। एंड इसी से हम फोटो खींच के देखते हैं भाई कैसी आ रही है। जो सबसे मैं आपको सेल्फी खींच के दिखाता हूँ तीन तरीके से, सबसे पहले फ्रंट से सेल्फी, उसके बाद हाफ फ्रंट से सेल्फी, फिर इसके बाद रियर वाले से फ्रंट की सेल्फी। वो ये देखो, आहा अब है ना भैया, अब जूम करी हुई सेल्फी भाई, क्या तगड़ी डिटेल आई है भाई सेल्फी में। भाई ये देखो गर्दन की दाढ़ी के बाल दिख गए यार, इससे ज्यादा डिटेल क्या करेंगे हम। पोर्ट्रेट मोड में काफी प्यारी फोटो, ये हमें नॉर्मल मोड में ही ब्लर आ रहा बैकग्राउंड में, इसमें भी प्यारी फोटो दिख रही है। ये देखो ये बैकग्राउंड में गुल 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 गुल, ये कूल लगता है, ये जो गोल गोल आता है ना ये मस्त लगता है बैकग्राउंड में। हमारा नेक्स्ट चैलेंज है भाई दूर से छुप के फोटो लेना। अब हम इसमें जो फोटो लेंगे इसमें एकदम सरका दिया भाई को पौधों के साथ, तो अब देखते हैं प्लांट्स और इसको दोनों को साथ में ब्लर कर देता है या सही से ले पाता है कि नहीं। इसने भाई पौधों को भी ना धीरे धीरे ब्लर करा है, काफी टफ टेस्ट होता है करने के लिए, बट बैकग्राउंड में चांदनी जला दी है, थोड़ी बहुत घास को इसने पकड़ ली है, ओवरऑल फोटो काफी एस्थेटिक है। वीवो के इस वाले फोन के अंदर अलग अलग टेलीफोटो वाले लेंसेज है, जैसे मैं दिखाता हूँ, ये 24mm है, तो उसका 35mm, फिर 50mm, फिर 85mm, फिर 100mm। भाई पता नहीं क्या हो गया, ग्रीन स्क्रीन हो गई भाई। 100mm बोलता है क्या ही करोगे यार, पूरा हरियाली कर दूंगा। ये देखो भाई 85mm में क्या गोल गोल बन गया भाई, मॉडल ही बन गया भाई इनकी तो। भाई बहुत तगड़ी लग रही है यार फोटो, मतलब एस्थेटिक सी, गोल गोल लाइट्स आती हैं, टेक्सचर्स अच्छे हैं, स्किन टोन्स काफी प्यारे हैं, ऊपर स्काई भी अच्छा लग रहा है, बोके भी आप चाहो तो एडजस्ट कर सकते हो। इसमें अगर आप नोटिस करो शीशे के पीछे वाली चीज को काफी अच्छे से ब्लर कर रखा है, बट ये जो एक्चुअल शीशा है इसको ब्लर नहीं करा हुआ। चेहरे में भी डिटेल देखोगे, स्किन टोन देखो, काफी अच्छी आ रही है भाई, काफी प्यारी आई है। ये भी फोटो काफी नेचुरल है, काफी एस्थेटिक सी है। इसमें एक सिनेमैटिक पोर्ट्रेट मोड भी है, और ये बेसिकली हम वीडियो बना रहे हैं सजन भाई की, सजन भाई थोड़ा अपना हीरोगिरी कर रहा है, कूल तो लग रहा है। अगर आप अपने आप को स्टैटिक रख रहे हो और खाली ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो अच्छे से ट्रैक कर लेता है। ये देख सकते हो अभी ना, इससे ये येलो येलो सा एक फ्रेम बना आ गया, मतलब सजन भाई को ट्रैक कर, ये जैसे जैसे पीछे आ रहा है आप देख सकते हो पौधे ना ग्रेजुअली ब्लर हो रहे हैं, ऐसे नहीं कि एकदम से पूरा ब्लर हो रहा है, पूरा मैनेज कर पा रहा है। अभी देखो अभी पौधे इतना ब्लर नहीं है, जैसे सजन पास में आएगा ना वैसे ही पौधे ज्यादा ब्लर होते जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो गोल गोल भी होने लगा पौधे, अलग सा लगता है। ये विंकी भाई को हमने शूट करना स्टार्ट कर, ये इसमें भी मतलब ये चेहरे पे लाइट सही से मेंटेन कर लेता है, बैकग्राउंड थोड़ा सा ब्लर कर देता है और काफी नेचुरल सा लगता है। ऐसे हाय हेलो अगर करेगा तो हल्का सा आपको एजेस फील होंगे, ऐसे नॉर्मली अगर मूव कर रहा है कुछ हीरोगिरी कर रहा है रंगी भाई अपना शो ऑफ इधर उधर तो कुछ नहीं पता चलेगा। ये हमने इससे नाइट मोड वाली भी काफी फोटोज खींची है, सारी आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। स्पेशली नाइट मोड में जो ब्लर बैकग्राउंड में आता है, जो गोल गोल लाइट दिख रही है, जो हल्के फुल्के स्टार्स भी आपको दिख जाते हैं, वो काफी ज्यादा कूल लगता है। एंड हल्का सा जो मोशन ब्लर भी है अगर आप फोटोज में देखोगे वो बहुत अच्छा इफेक्ट सा ऐड करता है। अब इसे एक काम करेंगे, हम ना इसके बैक वाले कैमरा से व्लॉग बनाएंगे, फ्रंट कैमरा बना के। इसमें होता है कि ये ना पूरी स्क्रीन बंद हो जाती है, तो अगर मैं ऐसे ही पकड़ रहा हूँ ना कहीं पे भी, तो कहीं पे भी कोई टच नहीं होगा स्क्रीन में। अगर आपका ऊपर हाथ नहीं जा रहा है शूट करते टाइम, तो आप नीचे वॉल्यूम बटन से भी रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ कर सकते हो। तो ये वाली वाइड एंगल से कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सही लग रहा है। इसमें बस दिक्कत है कि अगर मैं ऐसे स्क्रीन को देख रहा हूँ ना तो आपको अजीब सा लगेगा, क्योंकि अगर मैं कैमरे में देखूँ तभी सही से लगेगा, तो लोग आते जाते हैं। बट इस रिकॉर्डिंग के अंदर ये एक्चुअली बैक कैमरे की मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, और इससे मैं व्लॉग कर सकता हूँ और
काफी लोग होते हैं ना, बैक कैमरे से ब्लॉगिंग करना काफी ज्यादा चैलेंजिंग रहता है। इसमें काफी आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, फोल्डिंग फोन्स में स्पेशली काफी आसान रहता है, काफी कंफर्टेबल रहता है। और ये क्योंकि काफी ज्यादा हल्का भी है और काफी पतला भी है। समझ लो अगर वो ब्लॉग करते करते वो जूम इन करके दिखाना है, ये देखो ये पीछे बंदा है मेरा, वो ये बहुत बहुत वियर्ड चीज़ है जो आप ना ज़्यादातर व्लॉगर्स कभी कर नहीं पाएंगे। ये वाला नॉर्मल सेल्फी कैमरा है, मैं तो भाई बैक वाली प्रेफर करता हूँ, उसमें डायनेमिक रेंज भी काफ़ी बेटर है। इसमें आपको एकदम सीधी बात बताता हूँ, बैक साइड वाला जो कैमरा है एकदम ही फ्लैगशिप लेवल का, वन ऑफ द टॉप कैमराज है। एंड सेम कैमरे को फ्रंट कैमरे की तरह यूज कर सकते हो व्लॉगिंग के लिए या जिस भी चीज़ के लिए आपका मन करे। एंड उसके साथ साथ इससे आप सेल्फी ले सकते हो, गूगल मीट में भी भाई बैक वाला कैमरा यूज कर सकते हो। बैक कैमरे से ऑफकोर्स 4K 60 FPS रिकॉर्ड जाती है। आपने कहीं पर भी ऐसे फोल्ड कर लिया तो आपको साइड में से फोटो वोटो दिखती रहेंगी। लेफ्ट साइड में पोज खोल लोगी ऐसे पोज बनाने, राइट साइड में अपनी फोटो की। अब ज़ायस के साथ कोलैबोरेशन करी तो ज़ायस के एक्चुअली इफेक्ट्स भी आपको देखने को मिलते हैं कैमरा एप्लीकेशन के अंदर। ज़ायस का एक मिनिएचर है जिसमें छोटी छोटी फोटोज आती हैं। अगर मैं लैंडस्केप में लेता हूँ तो ये बेसिकली ये ऊपर नीचे तो दोनों तरफ ब्लर कर देता है। इसमें ब्लर भी आप अलग अलग स्टाइल से कर सकते हैं, जैसे बस इतने पार्ट की लेनी है बाकी पूरा ब्लर मारना है। अगर ईडियो ऑफ करके जैसे तीन बंदे हैं तो तीनों को फोकस मिलेगा और ग्रेजुअली काफी ब्लर करता है। ये होराइजन करेक्शन ये मेजरली वाइड एंगल में काम करता है। अगर जैसे ऐसे टिल्ट हो जाता है ना बिल्डिंग ऊपर की तरफ, आप अगर आप ऐसे ले रहे हो जैसे इसमें आपको देखा ना ऊपर बिल्डिंग जाके छोटी जाती है, बट इसमें अगर आप लोगे तो एकदम ही ऐसे बराबर सी जाती है बिल्डिंग, तो अच्छा सा रहता है। फ्रंट से 1080p 30 FPS तक जाती है। लास्ट पोर्ट्रेट मोड में अगर आप जाओगे तो ज़ाइस के अलग अलग ब्लर के स्टाइल्स हैं, कभी गोल हो जाता है कभी डायगोनल हो जाता है, सिने फ्लेयर है, सिनेमैटिक है, बी शेप्ड है, बायो टार, नेचुरल, बी स्पीड, सोनार, अलग अलग मोड्स हैं जिसमें अलग अलग टाइप के फ्लेयर्स आते हैं और अलग अलग टाइप की फोटोज आती है। ओवरऑल इस फोन से हमने काफी सारी फोटोज खींची, बैक से भी फ्रंट से भी, सार्थक की, वेंकटेश की, सुबह रात हर टाइम पे। एंड सारी फोटोज हमको काफी इंप्रेसिव लगी। एक टॉप फ्लैगशिप कैमरा इसको आप डेफिनेटली बोल सकते हो। फोल्डिंग फोन में एक ऐसा कैमरा डालना डेफिनेटली भाई काफी बड़ी बात है और हमको मजा आया भाई ट्राई करने में। देखो थोड़ी सी ना आवाज आ रही है, ये कैमरे के ना पेरिस्कोप जो लेंस होता है उसकी आवाज है। भाई मैं आपको एकदम सीधा बताऊं, अब भाई फोल्डिंग फोन्स हो चुके हैं मेनस्ट्रीम। ये फोन जो टॉप के फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स हैं उनको कैमरे में टक्कर देगा, उससे ज्यादा बड़ी बैटरी है, पकड़ के नॉर्मल फोन की तरह यूज करने में ऑलमोस्ट सेम ही फील होता है और भाई बड़ी स्क्रीन पे गेम खेलने में अलग ही मजा आता है। अब मेरे हिसाब से भाई फोल्डिंग फोन्स टॉप क्लास हो चुके हैं, अब इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप नॉर्मल फोन से अपग्रेड करते हो बस फायदे ही फायदे। अब मेरे हिसाब से टाइम आ गया है अपग्रेड का फ्लैगशिप फोन के ऊपर। इस फोन का प्राइस है 1,60,000 रुपए से 1 रुपए का। बट हाँ भाई, एक टॉप ऑफ द लाइन फोल्डिंग फोन अगर आपको चाहिए तो भाई डेफिनेटली एक इम्प्रेसिव प्रोडक्ट है। अब इसको 6,666 रुपीज में 2 साल की EMI पे परचेज कर सकते हो, मतलब हर मंथ तक। अब भी बताना आपको कैसा लगा ये वाला स्मार्टफोन कमेंट सेक्शन में, कोई फीडबैक हो सारी चीजें। और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो। बाय बाय।